हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अब आज मैं बताने जा रही हूँ आपको, मैंने कल वीडियो शूट किया है ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स के लिए। तो फिफ्थ डे ऑफ ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स, तो कल मजा मस्ती में एक वीडियो शूट किया है फेशियल का, VLCC का फेशियल बता रही हूँ। बाल आ गया है, तो VLCC का एक फेशियल मैं आपको बता रही हूँ, और मजा मस्ती में हम लोग ने एक वीडियो शूट किया है। तो आप भी देखिए मेरी क्लासेस के स्टूडेंट की सारी मस्तियाँ और फेशियल, इजी स्टेप से फेशियल बताया है, जिस तरह से क्लासेस के लड़कियाँ प्रैक्टिस भी करती है, और आप घर पे उस तरह से किट लाके और इजीली आप फेशियल घर पे कर सकते हो। गाइस, बार बार पार्लर में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मैं खुद पार्लर वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, तो आप अपने आप इस तरह से कर सकते हो गाइस, घर पे ही प्रैक्टिस कर लीजिए और घर पे फेशियल करते रहिए। और अभी ठंडी है ना, तो फेशियल बहुत 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 ज़रूरी है। तो गाइस, बस एक वीडियो शूट कर लिया है, और जैसे कोई नया आया है मेरे चैनल पे तो उनको मैं बता देती हूँ, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं हूँ ब्यूटिशियन। और बस मैं ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स के मैं वीडियो डालती हूँ, मेरे व्लॉग्स भी आते हैं, तो वो आप देखिए, एंजॉय कीजिए मेरे साथ, मेरी लाइफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, कैसे रहती हूँ, तो आप वो सब देखिए मेरा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए आपको पसंद आता है कि नहीं आता है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और गाइस, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सब शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स स्टार्ट किया है मैंने, उसमें अभी तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो अभी तो शुरुआत है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आपकी मम्मी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी भाभी के साथ, और सभी के साथ आप ये मेरे वीडियोस शेयर कर सकते हैं, ताकि जिसको भी सीखना है ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स वो सीख सकता है। तो गाइस, आगे आगे भी मेरे वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि अब आ रही है अतिथि हॉस्टल से, और अतिथि और मैं दोनों मिलके हम लोग खूब मजा मस्ती करने वाले हैं, तो सारे वीडियोस बहुत अच्छे आने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, चलते हैं फेशियल देखने के लिए पार्लर पे। तो गाइस, मैंने शूट किया है, ऐसे कैंडिड शूट कर लिया था पूरा, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँगी फेशियल का, लेकिन चलो दिल किया कि आपसे शेयर कर लूँ, इसलिए मैंने वीडियो शूट किया है, और बनते बनते वीडियो अच्छा ही बन गया है। तो गाइस, कुछ भी मिस्टेक हो ना, तो लेट गो कर दीजिए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, और जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो गाइस। तो इसलिए ना गाइस, जो अच्छा लगा उसमें से, वीडियो में से, मेरे वीडियो में से सब ले लो, जो बुरा लगे उसके छोड़ दो। तो गाइस ठीक है, ऐसा कुछ बुरा लगने वाला कोई चीज़ नहीं है, पर मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक तो होती रहती है, पर कोई मिस्टेक तो हुई नहीं है मेरे हिसाब से। तो गाइस चलिए देखते हैं फेशियल, VLCC का फेशियल बता रही हूँ मैं, तो फेशियल कैसे करते हैं, और ओकेजन आ रहा है, अभी 31st आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो आप घर पे फेशियल इस तरह से कर सकते हैं। तो गाइज, और मुझे ये बताइए कि आपकी 31st की नाइट की क्या प्लानिंग चल रही है, मेरे साथ शेयर कीजिए गाइज, मुझे भी कुछ प्लान करना है, अब देखती हूँ क्या हो पाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ ना अभी ठंडी पड़ने लगी है 2 दिन से, तो 31st की नाइट में ठंडी में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो देखते हैं मैं क्या प्लान करती हूँ। ऐसे तो मैं जय के रिसोर्ट में भी जा सकती हूँ, पर 31st को यहाँ पे मेरे पार्लर में भी रश रहेगा, तो इवनिंग तक तो मुझे पार्लर पे रहना पड़ेगा, और अगर मैं इवनिंग को निकलती हूँ जय के रिसोर्ट के लिए, तो मैं नहीं पहुँच पाती हूँ रात तक, 7 बजे फंक्शन चालू हो जाता है। तो गाइस, इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ठीक है, चलिए गाइस, अब सोचते हैं, थोड़े दिन बचे हैं, तो उस तरह से सोचती हूँ, तब तक आप मेरा फेशियल का वीडियो एंजॉय कीजिए, मेरे क्लास के स्टूडेंट के साथ मेरे वीडियो में शामिल होइए, और देखिए क्या मस्ती चल रही है हमारे पार्लर में, और फेशियल कैसे हो रहा है। तो गाइज,
चलिए मिलते हैं पार्लर पे जाके, और वो वीडियो मैंने जो शूट किया है कल, वो आप इसके बाद मैं आपको ये लगा देती हूँ क्लिप्स, तो आप वो देख लीजिए। चलिए तो गाइस आज हम सीखेंगे फेशियल करना, तो चलिए हो रही हूँ बदमाशी कम कर और सीधे से फेशियल करवा। देखो उसका मुंह, देखो मुंह, देखो उसका। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं फेशियल करना। तो नैपकिन लगा दिया है, फेशियल बैंड लगा दिया है, और अब हम लेंगे फेशियल, डायमंड फेशियल करना है। ये वाला फेशियल किट यूज़ करेंगे, डायमंड फेशियल किट VLCC का है। तो गाइस चलिए पहले, सबसे पहले क्लिंजिंग मिल्क से पूजा का फेस साफ करेंगे। पूजा मेरी स्टूडेंट है क्लास की, ब्यूटिशियन कोर्स की, और आँख मत मार नहीं तो सारे फ्लैट हो जाएंगे यहाँ। ओके चलो गाइस, आपको फ्लाइंग किस भी मिल गया, आँख मार के भी मिल गया, तो चलिए अब इसका हम पहले, थैंक यू, पहले हम इसको फेशियल करते हैं। तो डायमंड किट फेशियल में आएगा, बेटा खोल के दिखाओ इसमें क्या क्या है। ये है क्लींजर और टोनर है, और इस तरह से फर्स्ट ये है स्क्रब, सेकंड गाइस आपको दिख रहा है कि पता नहीं क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है, सेकंड है क्या है बात बाबू, सेकंड नंबर फ्लैश हो रहा है, लोशन है, फोर्थ है मसाज जेल, और फिफ्थ है मास्क। तो गाइस चलिए पूजा फिर से बताएगी। हाँ मॉइस्चराइजर कुछ है, ये मॉइस्चराइजर है ना, गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं प्रॉपरली उस लाइन से पढ़ लेती हूँ क्योंकि हर एक किट में अलग अलग रहता है, तो अलग अलग ये रहता है, तो बराबर से देख के नंबर वाइज लेना पड़ेगा। और मैंने मोबाइल कैमरा शूट करने के लिए मोबाइल हाथ में किया है, तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उसकी फ्लैश की वजह से, तो मैं पहले उसको प्रॉपरली 1, 2, 3, 4 नंबर से पढ़ लेती हूँ। वैसे आपको नंबर वाइज ही करना है पहले, तो हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो इसे नंबर वाइज ही करना है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है कि ये क्या है और ये क्या नहीं है, वो देखना है। ये क्या है, क्लिंजिंग और टोनर है, और ये है लास्ट मॉइस्चराइजर ना, देखो ये है 6-1 मॉइस्चराइजर। तो इस तरह से लाइन से ये पूरा आएगा, और अब कोई टेंशन लेना नहीं, हर एक किट में ना अलग अलग दिया रहता है, तो हम उसमें ही देख लेंगे कि किस तरह से हमें करना है लाइन वाइज। उसमें उस बॉक्स के ऊपर पूरा लिखा हुआ रहता है गाइस, और हर एक सब ना कितने सारे किट रहते हैं, जैसे अभी ये VLCC का डायमंड किट है, इसी तरह से ये पर्ल किट भी मिलेगा, उसी तरह से गोल्ड किट भी मिलेगा, तो हर एक में अपना अपना अलग अलग रहता है, ज़रूरी नहीं है। एक मेरे पास ये शहनाज का भी है फेशियल किट, देखिए, और इसमें भी सारा नंबर वाइज दिया रहेगा। तो आप फेशियल किट लो और किसी भी तरह से उसमें लिखा रहता है, सिर्फ मेथड देख लो और उस तरह से फेशियल करो। और गाइस ये मैंने स्टीम मशीन ऑन कर दिया है स्टीम देने के लिए, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फेशियल करना। तो कौन दिखा रहा है फेशियल करना, वहीनी। ओके वहीनी, तो वहीनी आज दिखाएंगे आपको फेशियल करना। ओके तो चलिए स्टार्ट करिए, पहले सबसे पहले क्लिंजिंग करिए, फर्स्ट नंबर कॉटन दे दो, आणि अमृता ते दरवाजा बंद कर जरा। ओके काजल यहाँ आ जाओ बेटा सामने, ये ना इधर से लाइन कर सकते हो ना, सब लोग खड़े रहो और वॉच करो कैसे है।
और आज उर्मी का तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उर्मी? पेट में दर्द है, बहुत इमलियाँ खाई है, तो फिर पेट में दर्द होगा ही ना। देखो मस्ती चल रही है। और आज हमारी मॉडल ने पूरा ग्रीन वाला ड्रेस पहना है, सब दूर हरियाली छाई हुई है। तो गाइस अभी थोड़ा सा मस्ती के मूड में, हरियाली हो जाती है ना। स्टार्ट करें तो गाइस ये लिया है हमने फर्स्ट स्टेप। दाखो ते कुठे गेलो। तो ये लिया है गाइस फर्स्ट स्टेप। इससे हम पहले क्लींजिंग करेंगे। ये दो टाइप है, इसमें क्लींजर भी है और टोनर भी है। ओके, विथ एलोवेरा जेल। तो कंजूसी मत करना, बिंदास अच्छे से करो। ओके तो गाइस कंजूसी करना। गाइस आप देखिए अच्छे से पूरा फेस पे ये कर रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं। और क्लींजिंग करते वक्त हमेशा ना नीचे से ऊपर जाने का, खालतू वर्ती हाँ पोछते वक्त पूरा इस तरह से हम पूरा फेस साफ करेंगे। गाइस दो तीन बार ना पूरी डस्ट रहती है ना वो निकालनी पड़ेगी, तो दो तीन बार अच्छे से साफ कर लेने का। और बता खाना खाइए, क्या बनाई थी आज? बहुत सारे चावल की आटे की रोटी। चावल के आटे की रोटी, चावल क्या कहते हैं इसको, बहुत सारे अनाज होते हैं। अच्छा सब मिलके, सब मिला के। ओके गाइस तो ये सेकंड टाइम का फेमस निमोना बनाया था इसने, खाना खाया। गाइस आप लोग ने खाना खाया कि नहीं? हम लोग के यहाँ अभी दोपहर के बजे हैं 4 और अभी हम लोग वीडियो शूट करें। मैं बताती थी आपको गाइस फेशियल करना, लेकिन मैंने दो तीन वीडियो मैंने भी बताए हैं, तो आज सोचा कि मेरी स्टूडेंट आपको दिखाएगी। और स्टूडेंट लोग करते हैं तो ज़रा बहुत अच्छे से करते हैं। तो गाइस बैक साइड भी पूरा साफ कर लेने का, जितना हमारा पोर्शन ओपन रहता है ना, जैसे नेक वगैरह ओपन रहता है, कान भी अपने रहते हैं, तो इसे सब प्रॉपरली साफ कर लेने का फेशियल करते वक्त। तो गाइस ये सेकंड टाइम क्लींजिंग कर रहे हैं। इसके पहले गाइस आप लोग, आपको अगर ब्लीच करना है ना, तो फेशियल करने से पहले आप ब्लीच कर सकते हैं। ओके और कभी भी सबसे फर्स्ट स्टेप ब्लीच ही रहता है, उसके बाद आप क्लीन अप करो, फेशियल करो। तो जितना निकालेंगे ऐसा लग रहा है मट्टी। तो गाइस ये हमारा डायमंड फेशियल चल रहा है। तो गाइस ये अब हम स्क्रब करेंगे। हमने सबसे पहले क्लींजिंग कर लिया, अब इसको स्क्रब करेंगे। कट कर दो। तो गाइस अभी हमने लिया है ये स्क्रब, और स्क्रब से हम मसाज करेंगे। तो जेल जैसा लग रहा है। हाँ स्क्रब अच्छा है, जेल जैसा सफेद एकदम अच्छा है ना उसका। अच्छा ठीक है, आप अच्छे से आराम से डायमंड फेशियल किट है ना गाइस। तो पूरा देखिए पूरा ऐसा वाइट जेल के जैसा ये स्क्रब है। तो ये हम स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। आपको फेशियल स्टेप में ना स्विमिंग डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप लेना है, और जितना क्लाइंट कंफर्टेबल हो उतना प्रॉपरली मसाज लेना है। इसके हाँ साथ साथ हम थोड़ा सा आइस भी यूज करेंगे। गाइस इसमें से आधे स्टूडेंट ना पूरे एक्सपर्ट है, लेकिन जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना, तो
तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी क्लाइंट का वो एकदम एक्सपर्ट तरीके से अच्छे से करते हैं। तो गाइस इस तरह से हम थोड़ा सा बर्फ़ लेंगे अब। और आपके पास आइस ना हो तो आप एक्वा भी यूज़ कर सकते हो, बिस्लेरी पानी यूज़ कर सकते हो, एक्वागार्ड का पानी यूज़ कर सकते हो। मुझे खुशी हो रही है, मेरी स्टूडेंट के हाथ बहुत नाइसली घूम रहे हैं। और गाइस बोलते हैं ना, फेशियल करते वक्त ना हम क्लाइंट के इतने एकदम करीब रहते हैं तो हमारे मन में भी अच्छे से सारे अच्छे थॉट्स रहने चाहिए ताकि क्लाइंट भी अच्छा फील करे। आँख में जाएगा, आँखें खोलो मत। तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होती है ना गाइस, बोल रहे हैं अच्छा सोच। अच्छा सोचो आप, अगर आप दोनों मंचूरियन खा रहे हैं। आप अगर ब्यूटिशियन हो तो आप क्लाइंट के साथ कांटेक्ट में हो, और क्लाइंट का अगर आप फेशियल कर रहे हो तो आप अपने मन में बहुत अच्छे सोच रखो। और जितना अच्छे से आप खुशी खुशी मसाज करोगे ना, क्लाइंट उतना ही हैप्पी फील करेगा। गाइस ऑलवेज फेशियल करते वक्त लाइट्स ऑफ करने की और स्लो म्यूजिक लगाने का, पर अभी अगर मैं म्यूजिक लगाती हूँ तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा और ये मेरी मॉडल डांस करने लगेगी अगर म्यूजिक लगेगा तो। देखिए अभी जो उसने डांस स्टार्ट कर दिया था, और लाइट बंद करूँगी तो आपको वीडियो में पता नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा ना हो जाए। गाइस सारे स्टेप्स आप देख लीजिए, ईयर्स ला व्यवस्थित करा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है स्क्रबिंग का। जितना पोर्शन हमारा ओपन रहेगा गाइस उतनी जगह पे हमें मसाज स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया है स्क्रबिंग का, अब हम सेकंड स्टेप लेंगे। ये वाला ये है डायमंड डिटॉक्स लोशन है गाइस। तो चलिए अब इससे मसाज करेंगे। पहले हमने स्क्रब लिया, अब हम डिटॉक्स लोशन से फिर से मसाज करेंगे। ये इस तरह से दिख रहा है, लिक्विड फॉर्म में है गाइस। और देखिए कितना ये स्क्रबिंग किया, जे उसमें जेल भी था तो बहुत अच्छे से शाइनिंग आ रही है, मतलब स्मूथनेस पूरी आ रही है, एकदम से क्रीमी टेक्सचर है, बहुत अच्छा। गाइस हर एक किट में ना अलग 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 रहता है, तो बहुत सारे किट है, जैसे डायमंड किट है, पर्ल किट है, हर्बल किट है, मिक्स फ्रूट किट है, सब अलग अलग किट रहते हैं और सब में सारा मटेरियल अलग अलग रहता है। तो आप बोलोगे कि मैं क्यों इतनी कंफ्यूज हूँ, पर मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, उसके नाम पढ़ के बता रही हूँ और मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा है तो मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही हूँ, फ्लैश आ रहा है उसके ऊपर। तो गाइस नंबर वाइज लेना है और कुछ नहीं, बस ये तो आपको बताने के लिए मैं पढ़ रही हूँ, बाकी बिना देखे ही वो नंबर वाइज पूरा लेना है। तो गाइस इस तरह से फेशियल के स्टेप चल रहे हैं, अब हमारा ये सेकंड स्टेप चालू है। और पूजा कैसा लग रहा है मसाज कर रहे हैं तो? अच्छा लग रहा है, सोने का मन कर रहा है। पूजा को सोने का मन कर रहा है। तो गाइस इस तरह से, अगर आपको इससे ज़्यादा और कोई स्टेप्स आते हैं तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो,
कोई ज़रूरी नहीं, पर अपसाइड डायरेक्शन में ही आपको मसाज लेना है। तो बैंगल्स का आवाज़ नहीं आना चाहिए, टाइट करा। जब भी हम फेशियल करते हैं तो हमारे हाथ में रिंग नहीं चाहिए, और अगर चूड़ियाँ हैं तो उसको हम टाइटली पैक कर लेंगे पीछे, ताकि क्लाइंट को किसी बात का आवाज़ नहीं आए। इस तरह से आंखों के ऊपर भी आपको मसाज करना है। अभी हमारा थर्ड है जेल, मसाज जेल है। गाइस देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, ये बहुत अच्छा फेशियल किट है। इस तरह से हमने इस तरह से मसाज जेल लिया है। और वही स्टेप्स हम वापस से दोहराएंगे, सेम टू सेम, ठीक है पूरा। तो गाइज़ इस तरह से मसाज आपको 15 से 20 मिनट या 30 मिनट आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है, पर 15 से ज़्यादा ही मिनट लेनी है, और मसाज करना है पूरी तरह से पूरे फेस पे, और फिर आपको बैक मसाज भी करना है। तो गाइज़ अब हम बैक मसाज करने जा रहे हैं। तो जो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, जैसे स्क्रब लिया था फर्स्ट में, तो वही लेंगे हम। बैक हमने पहले से साफ़ कर लिया क्लिनजिंग मिल से और टोनर से, तो अब हम इनका बैक मसाज लेंगे। तो आप स्टेप देख लीजिए बैक मसाज के कैसे हैं। गाइज और क्लाइंट का जितना बड़ा पीछे ब्लाउज का गला रहेगा ना, उसी तरह आपको पूरा बैक साफ करके देना है, पूरा अच्छे से मसाज करना है। तो और ठंडी में ना गाइज फेशियल्स बहुत ज़रूरी है, फेशियल करना ही चाहिए। स्किन बहुत ड्राई हो जाती है गाइज, तो आप उसमें क्रीम वगैरह लगाते रहिए, और इस तरह से जो मैं फेशियल बता रही हूँ, आप अपने आप भी अपने हाथ से भी ये सारे मसाज कर सकते हो घर पर भी। तो तकरीबन 5 मिनट्स तक हम बैक मसाज करेंगे अच्छे से, जब तक क्लाइंट रिलैक्स ना हो जाए। मसाज में आप फिर इस तरह से नैपकिन रख के पूरा उनको बैक तक प्रेस करके देंगे, ताकि उनके ड्रेस वगैरह ख़राब ना हो। आपने एप्रन पहनाया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर इस तरह से पूरा अच्छे से मसाज हैंड से लेके बैक तक पूरा अच्छे से मसाज देंगे हम। तो अब हम कॉटन से पूरा ये साफ करेंगे। हम एक बार कॉटन से पूरा सब साफ कर लेंगे और हम दोबारा मसाज लेंगे इनको। तो गाइस देखिए फेस कितना साफ हो गया, और इजी एकदम दाबुना पुसा ऐसा है, बहुत अच्छे से पोछना है। गाइस मैं मराठी में ये स्टूडेंट से बात कर रही थी तो सॉफ्टली आपने उनका फेस साफ करना है, क्योंकि हम जब मसाज लेते हैं तो स्किन ऐसे ही सेंसिटिव हो जाती है थोड़ा, तो इस तरह से सॉफ्टली आपने उनको साफ कर देना है एक बार पूरा, और फिर से हम एक बार रिपीट में मसाज लेंगे, और उसके बाद मास्क लगाएंगे। बैक साइड मसाज हमारा हो गया है, फ्रंट साइड भी मसाज प्रॉपर हो गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से पूरा मसाज जेल वगैरह सब लेंगे, और उस तरह से हम पूरा फिर से फेशियल करेंगे। तो गाइस अब मसाज प्रॉपर पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी अब एक स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं, तो वो आपको दिखाएगी कि किस तरह से आपको फिर से मसाज करना है। तो इस तरह से आप दो बार गाइस मसाज करेंगे फेस पे, और 15 टू 20 मिनट्स तक आपका मसाज चलना चाहिए। तो देखिए ये स्टूडेंट के भी हाथ कितने प्रॉपरली घूम रहे हैं, हालांकि उसने ज़्यादा दिन किसी का देखा नहीं है फेशियल, सॉफ्ट कैसा चल रहा है, पर सॉफ्टली अच्छे से घुमा रही है।
तो गाइज इसी तरह से प्रैक्टिस चलती रहती है, और आप भी घर पे इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको मसाज की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और साथ में बर्फ पी लीजिए थोड़ा सा हाथ घूमने के लिए, है ना, उतना पानी तो है ये ना उसमें, थोड़ा सा अच्छे से हाथ घूमने के लिए बर्फ या ठंडा पानी या सादा पानी कुछ भी आप ले सकते हो। तो गाइस इनका मसाज चलने दीजिए, तब तक हम स्टीम को रेडी करते हैं। आज ना बहुत स्मूथली करना है, ठीक है, और आंखें खोल मत, सारा क्रीम आंख में जाएगा, समझी? तो देख देख के इसको तो इतनी मस्ती है ना कि पूछो मत, फेशियल कराने भी सीधे से बैठ नहीं सकती है। हाँ, मजा आ रहा है। और गाइस अगर आपको किसी का फेशियल करना है, आपने रात को क्रीम हाथ में लगा के रोज सोना है, तकरीबन एक महीने तक इस तरह से करोगे ना तो आपके हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम ना थोड़ा बहुत, तो कितना भी मेड हो या कुछ भी हो, थोड़े बहुत बर्तन वगैरह घसते रहते हैं ना घर में, तो हमारे हाथ ड्राई हो जाते हैं, और स्पेशली ठंडी में तो ड्राई होने ही वाले। तो अगर हम किसी का फेशियल करने जा रहे हैं, आप घर पे भी किसी का फेशियल करने जा रहे हो या इवन अपने हस्बैंड का फेशियल कर रहे हो या किसी का भी कर रहे हो, तो आपके हाथ तो प्रॉपरली सॉफ्ट होने चाहिए। फेशियल के लिए हाथों का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो अपने हाथों का पूरी तरह से ख्याल रखने का, सारा काम होने के बाद हाथों पे क्रीम वगैरह लगा लेने का, ताकि हम दूसरे का फेशियल बहुत अच्छे से कर सके और हमारे हाथ उनके फेस पे घूमते हैं ना गाइस, तो उनको ड्राई नहीं लगना चाहिए, अपने हाथ लगने नहीं चाहिए, इसलिए हमारे हाथ सबसे पहले सॉफ्ट होने चाहिए फेशियल करने से पहले। तो उसको आपको थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी, रात को सोते वक्त आप ज़रूर से हाथों को क्रीम वगैरह लगा के सोइए, ताकि पूरी रात हाथ अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। गर्म लग रहा है ज़्यादा, तो गाइज इस तरह से आपने 2-3 मिनट स्टीम देनी है। तो स्टीम देने के बाद गाइज हम कॉटन से पूरा वाइप आउट कर देंगे, सफाई से पूरा साफ कर लेंगे। जास्त कॉटन घे हातात, हाँ मग पुसायला कम्फर्टेबल पडेल। और कोई भी चीज वाइप करते वक्त नीचे से ऊपर जाना है हमें। उसके बाद हम नोज का ब्लैकेट्स निकालेंगे। तो गाइस अब हम ब्लैकेट्स रिमूव कर रहे हैं। बैक साइड से पिंपल्स फोड़ने की जगह से पूरा फेस पे साफ कर देंगे, इस तरह से पूरा फेस का जो वाइट हेड्स वगैरह कुछ रह गया होगा तो हम निकाल डालेंगे। कॉर्नर में थोड़ा फ्रेंड्स, गाइस अब हम ये मास्क अप्लाई करेंगे। अच्छी दिखना है ना पूरी मास्क से ही। हाँ तो आखिरी मास्क से ही आएगा।
तो गाइस इस तरह से इवनली आपने फेस पे मास्क अप्लाई करना है, इतना पोर्शन इनफ हो जाएगा सब दूर इवनली घुमाने के लिए। उनमें वो साइड से फटाफट लगा दो, टाइम वेस्ट हो रहा है, दो जन मिलके फटाफट लगा दो। अपने आंखों पे नहीं लगाना है, सिर्फ पूरा नेक वगैरह सब दूर लगा दो। पूरा नेक कवर कर दो। आई मास्क आप अंदर थे राउंड टक देना है। ओके तो गाइस अब आप आंखों के लिए आई मास्क लगाएंगे इस तरह से, तो पूरी आंखों को पूरा ठंडक मिलेगा। और ये आई मास्क है ना गाइस, आप सिर्फ आपने फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है और पूरा ठंडा फ्रिज टेम्परेचर के हिसाब से वो ठंडा हो जाएगा। और इस तरह से आप आई मास्क लगा के पूरी आंखों की गर्मी ये खींच लेगा। और गाइस अगर आपको चश्मे के नंबर है ना तो वो भी कम हो जाते हैं ये आई मास्क यूज़ करने से, क्योंकि ये मेडिकेटेड है और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं इसको। देखिए कैसा लग रहा है पूजा आई मास्क लगाने के बाद? बहुत सुकून मिल रहा है, अंदर तक ठंडक लग रही है ना। बहुत गाइस फेशियल करने के बाद जो एकदम रिलीफ मिलता है ना, और उसके बाद ये आई मास्क लगा लो तो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, बहुत आंखों की पूरी गर्मी निकल जाती है। गाइस मेरे पास इस तरह से बहुत सारे फेशियल किट है, हर तरह के फेशियल किट है, क्लाइंट को जो भी फेशियल करना है वो ये किट में से निकाल के हम लोग कर देते हैं। तो गाइस अब होने के बाद हम आई मास्क रिमूव करेंगे। बेटा तो दरवाज़ा बंद कर, आई मास्क रिमूव करेंगे। आई मास्क निकालने के बाद मास्क को निकालेंगे स्पंज से, पर गाइस स्पंज बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, स्मूथली उसको निकालना है। डाउन खलतुन बरती है बेटा, डाउन में इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है गाइस, बहुत अच्छा, स्किन बहुत साफ हो गई है इनकी, अच्छे से पूरी तरह रिमूव होने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से ये मास्क लगाना लास्ट में नहीं, उसके बाद अभी और लगाना है ना लास्ट में। नहीं बहुत कोल्ड है ये, बहुत ठंडा है। तो गाइस ये ना ठंडा इफेक्ट दे रहा है एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से। तो अब कॉटन से साफ कर लेंगे हम और फिर से उस पर आइस का मसाज देंगे। और गाइस ये जो मास्क लगाया था ना, क्लाइंट बोल रही इतना ठंडा लग रहा था ना मुझे, पूरा सुकून मिल रहा था। ठीक है तो चलिए अब हम करेंगे आइस का मसाज, ऐसा नहीं बर्फ फिरो, इस तरह से आइस पूरा फेस पे, आंखों पे, नाक पे, जितना पोर्शन ओपन है वो उस पर 2 मिनट्स के लिए घुमाएंगे। करते थे तो गाइस लास्ट में हम अभी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल लगाएंगे ताकि स्किन सॉफ्ट बनी रहे। तो इस तरह से बस 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 थोड़ा सा, तो ये है मॉइस्चराइजिंग जेल, अब ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो इस तरह से फेशियल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। लिटल बिट सिर्फ घुमा देना है हमें, मसाज नहीं लेना, सब दूर ऑल ओवर स्प्रेड कर देना है। तो गाइस ये हमारा लास्ट स्टेप था और फेशियल कंप्लीट। और आप देखिए कि आपको कैसा लगा फेशियल, और कोई भी किट लाइए और उसके हिसाब से आप इस तरह से फेशियल घर पे कीजिए। ओके
काम करके ना रिलैक्स मिला, पूरा दो चार दिन का जो काम किया था थक गई थी, पूरा रिलैक्स मिल गया। चलो अब कुछ बोल दे वीडियो में भी आके, चल पूरा 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 आराम ले रही है, मजे ले रही है। हाँ मेरे स्टूडेंट ने बेचारों ने इतनी मेहनत की तो कुछ तो बोलना पड़ेगा मेरे वीडियो के लिए। बहुत अच्छा किया, वेनी ने भी बहुत अच्छा किया, अंजलि ने भी बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत रिलैक्स मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। लास्ट वाला तो बहुत ज्यादा ही सुकून मिल रहा है गाइस, वो आईज का वो जो आँख पे लगाया आई मास्क, हाँ वो मास्क बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ मिल रहा है मुझे, सुकून मिल रहा है। तो गाइस आप घर पे जरूर से इस तरह से फेशियल करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा और आगे आप क्या सीखना चाहते हो, मुझे ज़रूर से बताइएगा तो मैं ज़रूर से वो ट्राई करूँगी आपको बताने की। और गाइस ये है हमारा फिफ्थ डे ऑफ ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स का, आज का फिफ्थ डे। ओके तो अब हमारा फेशियल कंप्लीट हो रहा है और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिए। बाय। देखिए गाइस फेस पे सारे दाग धब्बे कितने कम हो गए, पूरे लाइट हो गए हैं, अच्छा हो गया एकदम से फेस, बहुत क्लीन हो गया, पूरा टैनिंग निकल गया है इनके फेस का, सच में बहुत पूरा टैनिंग निकल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो जो भी नए आए हैं। बाय बाय।